दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा विधि नैतिकता और समकालीन समाज विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का रविवार को समापन हुआ। इस अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि विधि और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हैं, विपरीत नहीं। विधि और नैतिकता का आपसी समन्वय ही एक आदर्श विधि का निर्माण करती है। नैतिकता की आवश्यकता विधि को परिवर्तित कराने में पड़ती है। हमें नैतिक मूल्यों को बचाए रखना होगा और इसको यथासंभव कोशिश करनी होगी कि हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए विधि एवं नैतिकता को आपसी समझ से सुदृढ़ करें। आयोजन सचिव डॉ टी एन मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय के समाज भवन में चलने वाले इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल आदि जगहों से गणमान्य अतिथियों ने शिरकत किया। इस दौरान 543 शोध छात्र, विद्यार्थी व अध्यापकों ने रजिस्ट्रेशन कर अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई व इस दो दिवसीय संगोष्ठी के दौरान चलने वाले कुल 6 तकनीकी सत्रों में लगभग 100 लोगों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विधि विभाग के शिक्षक प्रोफेसर नसीम अहमद, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर अभय मल, डॉक्टर आशीष शुक्ला, डॉक्टर हरिश्चंद पांडे, डॉक्टर मनीष राय, डॉक्टर शिवपूजन सिंह, डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर वेद प्रकाश राय, डॉक्टर सुमन लता चौधरी, डॉक्टर वंदना सिंह, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर संजय बैजल, प्रोफेसर सतीश चंद पांडे आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आयोजन सचिव टी एन मिश्रा ने कहा, आप सभी विद इन 15 मिनट लंच के बाद यहाँ आ जाएंगे। कल जैसे दोस्त था, लड़कियां पहले, लड़के बाद में। विद्यार्थी रहे हैं और आपराधिक विधि में क्रिमिनल लॉ के फील्ड में एक बड़ा नाम है और हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश की वाला आभार करते हैं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह अंतिम पड़ाव जिसका आज यह समापन सत्र हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर, डॉक्टर टी एन मिश्रा, मैं सहायक आचार्य विधि विभाग और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सचिव। ये सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आए, जो बहुविवाह और क्रूरता पर, खासकर इसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर समुदाय, जिसे हम किन्नर समुदाय कहते हैं वर्तमान में, उनके संबंध में जो निर्णय आया, उससे जो सामाजिक उथल पुथल हुई,
उसके संबंध में कल से दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हम लोग आयोजित किए हैं, जिसका विषय है विधि नैतिकता और समकालीन समाज। हम ये देखना चाहते हैं इस संगोष्ठी के माध्यम से कि हमारा समाज विधि और नैतिकता, निश्चित तौर पर समाज में जब विधि और नैतिकता के बीच संघर्ष होता है तो बहुत से मुद्दे उभरते हैं, खासकर जब किसी सामाजिक मुद्दे पर कोई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है तो समाज में जो एक उद्वेलन पैदा होता है उसी पर विचार के लिए कल ये संगोष्ठी आयोजित हुई थी और ये आज उसका समापन सत्र है। कल से शुरू हुई है संगोष्ठी 9 को और आज शाम को इसका समापन होगा। कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इसी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे प्रोफेसर आर के मिश्रा, जो कि अपने इस समाज समय के वर्तमान समय के सबसे प्रतिष्ठित विधि शास्त्री हैं, उन्होंने किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर डी के अरोरा, हमारे वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर वी के सिंह जी थे। कल 3 तकनीकी सत्र हुए, उन 3 तकनीकी सत्रों में सभी के जो विचार आए उन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं। आज उस तक से इस संगोष्ठी का जो दूसरा दिन है, जो समापन का दिन है, इस समापन के दिन में हमारे तकनीकी सत्र 3 होंगे। इन सभी सत्रों के बाद, इन तीनों तकनीकी सत्रों के बाद हम एक सामूहिक रिपोर्ट बनाकर इसे UGC को प्रेषित करेंगे कि इन निर्णयों से समाज क्या सोचता है, इन निर्णयों के बारे में समाज की क्या राय है और नैतिकता और विधि के बारे में हमारे समाज, हमारे विधि शास्त्री, हमारे विधि छात्र क्या विचार रखते हैं, इसके प्रतिवेदन को हम भेजेंगे। आज जो इसका समापन सत्र होना है, इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर डॉक्टर आर के भटनागर, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जस्टिस राहुल चतुर्वेदी, जो इस विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे, हम गौरवान्वित हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे इसी विश्वविद्यालय के पूर्व में एलुमनाई रहे श्री राहुल चतुर्वेदी जी, जो कि इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस हैं, वे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। मेयर साहब हमारे श्री सीताराम जायसवाल जी इस कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट हैं। इन सभी के द्वारा इस कार्यक्रम का समापन होना है।